नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। प्रचार के अनूठे रंग देखने को मिलते हैं। लोकसभा चुनाव का पहला दौर करीब आ रहा है और उम्मीदवार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता के बीच वोट की जुगत में जुड़े हैं। टीवी डिबेट में अक्सर मुखर दिखने वाले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। वह ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। संबित ने अपने लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने एक गरीब परिवार के लोगों को अपने हाथ से भोजन कराया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। संबित ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से खाना खिलाने का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, पुरी के एक छोटे से गाँव में रहने वाली एक बूढ़ी विधवा माँ, उसकी तीन बेटियां जिनमें दो दिव्यांग व बेटा मजदूरी करता है, ऐसी मां का घर बनाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहां देखें वीडियो, पुरी के एक छोटे से गांव में मैं रहने वाली एक बूढ़ी विधवा मां, उसकी तीन भोजन कराने का एक और वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, यह मेरा अपना परिवार है, माँ ने खाना बनाकर खिलाया, मैंने अपने हाथों से इन्हें खाना खिलाया और मैं यह मानता हूँ कि इनकी सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। वीडियो ट्वीट करने के दो घंटे के अंदर इसे 45,000 से ज्यादा लोग देख चुके थे। वीडियो को इस दौरान 10,000 से ज्यादा लाइक और 2,600 रीट्वीट भी मिल चुके थे।